जिला फाजिल्का के थाना बहावाल के गांव राजावली में देर रात एक जमीनी झगड़े को लेकर चली गोली में प्रमोद कुमार नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और इस घटना में संजय नामक युवक घायल हो गया, जिसको अबोहर के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। गौरतलब है कि गांव राजावली में जमीनी झगड़े को लेकर कल देर रात संजय कुमार के फार्म हाउस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसके चलते गोली चलने से प्रमोद कुमार, जो गांव सीतो गुन्नो का रहने वाला था, के मुंह में गोली लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि संजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने तुरंत ही घायल को अबोहर के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया और मृतक प्रमोद की लाश को अबोहर के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 10 लोगों पर अधीन धारा 302, 307, 148, 149, 120 के तहत मामला दर्ज किया है। और मेरे फार्म हाउस है, उसे मेरा पड़ोसी अजड़ा अमित कुमार अंदर वड़ गया, टाणी के कब्जा कर लग गया। सामने असी आए, उन्होंने अंदरों फायरिंग करनी शुरू कर दी। मेरे टच हुई गोली, एक जरा मेरे नाल दोस्त से वो फायर बजा, वो उतें ही डेड हो गया। उस तो बाद पुलिस आई, पुलिस आने के मुलजम से दो खड़े गए, बाकी फायर हो गए। हाँ, बंदे बारहों में आए से ना, हो 8-10 बंदे से पिछों छाल मार के पद गए। सारे पिंड राजा वाली सर थाना बड़ा वाले भी रहना है, जमीनी विवाद के चलते रात उत्ते झगड़ा हो गया सी। फायरिंग होने के नाल प्रमोद कुमार सानू महेंद्र कुमार सीतो गुन्नो गोली लगन करके उसकी मौत हो गई सी। जिस संबंधी असी थाना बावाले विखे मुकदमा नंबर 128 अंडर सैक्शन 302-307 IPC रजिस्टर कर रहा है। जांच जारी है, एक बंदा इंजर्ड है जी, संजय कुमार नाम है, उनके बयान से मुकदमा दर्ज। विवाद किस मुद्दे का सीगा, क्यों होया? जमीन का कोई झगड़ा सी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर गल सामने आएगी की सीगा। फिलहाल अजय जांच पड़ताल चल रही है, SHO साहब कर रहे हैं तफ्तीश है जी, जिस तरह जिन्हें तत्व सामने आने तो दसाएगा। फाजिल्का से कैमरामैन सुरेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट, जनहित ऐशी।